फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्पूस किचन। आज का रेसिपी पिज्जा सॉस। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिज्जा सॉस बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 500 ग्राम टमाटो मैं धो के क्लीन करके रखा, 10 गार्लिक को बारीक चॉप करके रखा, 1 ओनियन को बारीक चॉप करके रखा, 3 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी, 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच शुगर व शक्कर, 1 खट्टापन को बैलेंस करेगा और 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब। एक टोप में एक ग्लास पानी बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। टोमेटो को पीछे से ऐसे क्रॉस लगा लेती हूँ तो बॉईल होने के बाद स्किन अच्छी तरह से निकल आएगा। ऐसे सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। पानी में बॉईल आ गया, सारे टोमेटो को ऐड कर देती हूँ। और बॉईल कर लेती हूँ। टोमेटो अच्छी तरह से बॉईल हो गया, स्किन अलग हो रहा है। अभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगी। टोमेटो एक प्लेट में निकल लिया, अभी जो स्किन है ऊपर का जो स्किन है वो निकल के रेडी कर लेती हूँ पहले, फिर कट के पीसेस में कट लूँगी। ऐसे सारे पीसेस कट के रेडी कर लेती हूँ। सारे टोमेटो को स्किन निकल के कट के रेडी कर लिया, अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। ऑयल ऐड करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, गार्लिक चॉप करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ। 2 मिनट सॉल्टी कर लेती हूँ। अभी जो अनियन बारीक चॉप करके रखा था वो भी ऐड कर देती हूँ और कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। गार्लिक और ओनियन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। और जो टमेटो पहले से ही मैं क्लीन करके कट के रखा था वो ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। लिड लगा के 5 मिनट लो फ्लेम में कुक कर लेती हूँ। 5 मिनट कुक करने के बाद अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेती हूँ और जो रेड चिल्ली पाउडर लिया वो ऐड कर देती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और शुगर खट्टापन को बैलेंस करेगा। सारे मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और लीड लगा के और 5 मिनट्स कुक करूंगी। अच्छी तरह से कुक हो गया। लास्ट को जो टमेटो सॉस लिया था 1 चम्मच वो ऐड कर देती हूँ और मिक्स हर्ब ओरिगानो। ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पिज्जा सॉस बनके रेडी हो गया। जो टोमेटो को चंक्स है वो थोड़ा ऐसे दबा दबा के एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेने का। होममेड पिज्जा सॉस बनके रेडी हो गया। गैस बंद कर देती हूँ और बाउल में सर्व कर लेती हूँ।
टेस्टी फिजा सॉस बनके रेडी हो गया, बाउल में सर्व कर लिया। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था तो फाइनली आज बनाया, बहुत इजी से बनाया। मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।